किसी गांव में एक रवि नाम का लड़का था जिसका पढ़ाई में तनिक भी रुचि नहीं था। उसको पढ़ाई बहुत ही बोरिंग महसूस होता था। उसका सिर्फ खेल कूद पर ध्यान रहता था। वह सिर्फ और सिर्फ खेलना कूदना चाहता था। वह पढ़ाई करना तनिक भी नहीं चाहता था। एक दिन रवि अपने दोस्त करण के घर गया तो रवि ने देखा कि करण के माता पिता करण को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, करण का बहुत अधिक मानदान करते हैं। तब रवि ने करण से पूछा कि तुम्हारे माता पिता तुमसे इतना अधिक प्यार क्यों करते हैं, तुम्हारा इतना अधिक मानदान क्यों करते हैं। तब करण ने जवाब दिया कि मैं पढ़ाई में बहुत ही मजबूत हूँ, मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप आता हूँ, इसी कारण से मेरे माता पिता मुझसे इतना अधिक प्यार करते हैं, मेरा इतना अधिक मानदान करते हैं। तब रवि भी सोच में पड़ जाता है कि यदि मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूं और परीक्षा में टॉप स्थान लाऊं तब तो मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत अधिक प्यार करेंगे। अब रवि मन लगाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार करण थोड़ा लापरवाह हो जाता है क्योंकि वह तो पहले से ही अपने कक्षा में प्रथम स्थान आता था। जब उनका वार्षिक परीक्षा समाप्त होता है तब कुछ दिनों के बाद उनका रिजल्ट घोषित होता है जिसमें रवि प्रथम स्थान पर आता है और करण सेकंड स्थान पर। अब उस विद्यालय का प्रधानाचार्य रवि का पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि एक दिन तुम इस विद्यालय के साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगे। तब ये सब बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब रवि घर जाता है। घर आते ही रवि अपने माता पिता का पैर छूता है। तब रवि के माता पिता रवि को टॉप आने पर उसे बहुत अधिक प्यार देते और रवि के पिता रवि को इनाम स्वरूप साइकिल भी देते हैं। अब घर के सारे लोग रवि का बहुत अधिक मानदान करते हैं, रवि से बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं। अब तक रवि समझ चुका था कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, इसलिए हमें मेहनत करने से कभी जी नहीं चुरानी चाहिए। तो रवि तो अपने अंदर की आवाज सुन लिया कि आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई दी है। यदि अपने अंदर की आवाज सुनाई दी हो तो आज से पढ़ाई करने के लिए मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल हमें मीठा ही होता है। ओए हीरो सुन, मैं सफलता के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा, बोल आएगा ना। यदि मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो ना तो इस वीडियो को हर जगह आग की तरह फैला दे। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं ना तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर फॉलो करें।